पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री में देने को लेकर चर्चा कर सकते हैं और इसको लेकर जल्द ही ऐलान भी किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे और ये जानकारी है कि पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ये मुलाकात हुई है और भी मुद्दों पर चर्चा हुई है और बड़ा ऐलान पंजाब के सीएम भगवंत मान जल्द ही कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं और बड़ा ऐलान कुछ ही देर में पंजाब के सीएम भगवंत मान कर सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव हमारे साथ वरुण गोयल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वरुण, फिलहाल आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा हो रही है और क्या बड़ा ऐलान पंजाब के सीएम कर सकते हैं? जी देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे, उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी राष्ट्रपति के साथ और उपराष्ट्रपति के साथ, उनके साथ मुलाकात हुई है। और जब जब भगवंत मान दिल्ली आते हैं, जब वो सीएम डेजिग्नेट थे और लोकसभा के सांसद के पद से इस्तीफा देने आए थे, जब वो प्रधानमंत्री से मिलने आए थे और जब वो आज राष्ट्रपति से मिलने आए हैं, तो जब भी वो दिल्ली आते हैं तो पार्टी के मुखिया, पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात करते हैं। लेकिन आज की जो बैठक है, आज की जो मुलाकात है, वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात हैं, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है। बेसिकली आज ये माना जा रहा है कि पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली कैसी दी जाए। थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा हालात हैं और केंद्र ने भी जिस तरह से बातें रखी थी, उन सबके बीच में 300 यूनिट बिजली कैसे फ्री की जाए, इसको लेकर के एक एक्सरसाइज जो है या फिर एक जो बातचीत है वो चल रही है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं वो भी मौजूद हैं, राघव चड्ढा भी अंदर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है, यानी एक अंदर चर्चा चल रही है। और क्योंकि जो पंजाब में दूसरी पार्टियां हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि सरकार अपना ये 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा पूरा करे और सरकार भी इसको लेकर के एक तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया था और कहा था कि पंजाबियों थोड़ा सब्र रखो, रंगला पंजाब बनाने को लेकर वो सब कुछ कर रहे हैं और सारी बातें उन्हें याद हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे दी जाए, क्या कुछ उसकी रूपरेखा रहे, कैसा उसका ब्लूप्रिंट हो, क्या कुछ संभावनाएं उसमें है, कब से उसे लागू किया जा सकता है, उसे लागू किए जाने के बाद किस तरह की एक आर्थिक स्थिति रहने वाली है और किस स्लैब के तहत या कौन सा एक टेबल बनाया जाए जिसके तहत 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, उसको लेकर एक चर्चा चल रही है। और अगर ये पूरा फॉर्मूला फाइनल हो जाता है तो हो सकता है कि आज ही यहां पर या पंजाब में, अब ये देखना होगा कि यहां पर इसका ऐलान होता है या पंजाब में ऐलान होता है, 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान जो है वो संभव है। लेकिन इसको लेकर एक व्यापक चर्चा शुरू हो गई है, एक्सरसाइज शुरू हो गई है और ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के लोगों को कितनी राहत मिलेगी वरुण, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो इस तरह की मांग करते आ रहे थे, विपक्षी पार्टियां भी अब लगातार आम आदमी पार्टी से ये मांग कर रही है कि भाई जो आपने वादा किया था वो आप पूरा करें, लेकिन पंजाब के लोगों को अगर ये ऐलान आज होता है तो बड़ी राहत मिलने जा रही है। देखिए, इंतजार थोड़ा सा करना होगा, ऐलान आज होता है दिल्ली में होता है या फिर वो ऐलान पंजाब में जाकर चंडीगढ़ में होता है या एक दो दिन बाद होता है, इसकी फाइनल पिक्चर क्या निकलती है, इसकी कोई टेबल जो बनती है वो कैसे बनती है, कौन से लोग इसके दायरे में आएंगे, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, ओवरऑल उसको देखना होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करने की जरूरत है फिलहाल। लेकिन यह है कि संभावना है कि जल्दी इसका ऐलान होगा, क्योंकि
ये एक सबसे बड़ा वादा है, ये वो वादा है जिसको दिल्ली में पार्टी ने करके बड़ी सफलता काम हासिल की और इस वादे को लेकर के पार्टी पंजाब पहुंची तो उसे कामयाबी मिली और आने वाले जो राज्यों में चुनाव है हिमाचल या गुजरात में पार्टी दिखाना चाहती है कि उसने दिल्ली में करके दिखाया, उसने पंजाब में भी कर दिया और फिर वो दो राज्यों में आगे जा रही है गुजरात और हिमाचल में। तो पार्टी के लिए ये वादा बड़ा है और पार्टी को लगता है कि इस वादे को टाइमली पूरा करना होगा और इसलिए आम आदमी पार्टी इसको लेकर गंभीर है और जो बैठकों की बातचीत लगातार हो रही है उस सिलसिले में ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें अभी बाहर निकलकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या मीडिया से बात करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्या कोई जानकारी देंगे ये देखने वाली बात होगी और अगर ऐसा होता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ बातचीत हुई है और अगर यहाँ ऐलान नहीं होता है तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसका ऐलान चंडीगढ़ में संभव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, एक बार बैठक हो जाए फिर आपसे इसी पर जानकारी भी लेंगे। सो फिलहाल आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हुए हैं, बैठक चल रही है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस बैठक में मौजूद हैं और बड़ी राहत पंजाबियों को मिलने वाली है और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था वो वादा शायद ही जल्द पूरा हो सकता है। ये बड़ा ऐलान पंजाब के सीएम भगवंत मान कर सकते हैं और जिस तरह से हमारे संवाददाता वरुण गोयल ने बताया कि ये ऐलान या तो दिल्ली में होगा या तो फिर पंजाब में पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे, लेकिन बड़ी राहत इससे पंजाब के लोगों को मिलने जा रही है।